वेलकम टू ओली आइय स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज डिस्कशन में आज 26 मई 2022 है तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज बोनो सागर के बारे में है इसका हाल ही में अभी थर्ड एडिशन कंडक्ट किया गया इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में ये एक बायोलैटल एक्सरसाइज है दो देशों के बीच में होती है इसे बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला पे कंडक्ट किया गया ऑब्जेक्टिव जो सभी एक्सरसाइजेस का होता है इसका भी वही है कुछ नया तो होगा नहीं एंड दैट्स अ की वर्ड इंटर ऑपरेबिलिटी दोनों देश आपस में बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर पाएं और ज्वाइंट ऑपरेशन चला पाएं दोनों देशों के जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास बढ़िया स्किल्स हों एक्सरसाइज को लेकर या ऑपरेशंस को लेकर इस एक्सरसाइज की शुरुआत सन 2019 में की गई मतलब हाल फिलहाल में शुरू की गई एक्सरसाइज है और अभी इसका ये तीसरा एडिशन रहा दो फेज रहे हार्बर फेज और सी फेज हार्बर फेज में बेसिकली बातचीत की जाती है कि कैसे टैक्टिक्स ऑप्ट की जाए कुछ स्पोर्टिंग फिक्चर्स भी होते हैं आपस में कुछ गेम्स वगैरह खेल लिए इंटरेक्शंस कर लिया डिस्कशंस कर लिए प्लान्स बना लिए इन सब के बाद आपको जाना होता है सी फेज में जहां होती है असली ड्रिल आप कैसे हथियार लॉन्च करेंगे किस प्रकार से आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे टेक्टिकल सिनेरियो में वेपन फायरिंग ड्रिल्स ये सब इस फेज में चलता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परम पोरुल सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी के बारे में है ये स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि एनआईटी तिरुचिरापल्ली में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इनॉग्रेट किया गया स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि वर्तमान में हमारे पास जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हमने यहां पे इस्तेमाल किया है परमपोरुल यह सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है जिसे एनएसएम के फेज 2 में तैयार किया गया एस्टैब्लिश किया गया एनएसएम स्टैंड्स फॉर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी ये जो फैसिलिटी है ये 838 थर्टी एट कैपेसिटी की है मेजोरिटी ऑफ दी जो कॉम्पोन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं और इन्हें जो सॉफ्टवेयर स्टैक है उसे डेवलप किया है सी टैक ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इंसेंटिवाइज करने का प्लान है परमपूर्व सिस्टम जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जहाँ पर हम जो भी हाई पावर इस्तेमाल करते हैं उसे बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाए आपको पता है सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं तो उसका इफिशियंट यूज़ हो इस चीज को इंश्योर किया जाता है अंडर दिस टेक्नोलॉजी कई तरीके के एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल किए गए हैं जो वेदर इन क्लाइमेट बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री मॉलिकुलर डायनेमिक्स और मटेरियल साइंस से रिलेटेड हैं सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे एनआईटी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सोसाइटल इंटरेस्ट में जो वो रिसर्चेस किया करते हैं लाइक एन फेमस है सोसाइटल इंटरेस्ट में रिसर्चेस करने को लेकर लाइक हेल्थ एग्रीकल्चर वेदर एंड फाइनेंशियल सर्विसेस और जब उनके पास इतनी बढ़िया से सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी होगी तो उनके इन कामों में उन्हें मदद भी मिल जाएगी इससे उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा बूस्ट होगा इससे इंडियन अकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों को ही फायदा होने वाला है बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में इसे लॉन्च किया गया 2015 में बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हम सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ दें ताकि उनकी यहाँ रिसर्च अच्छी हो सके इस ग्रिड के तहत हमें सत्तर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को डेवलप करना है हालांकि पेस बहुत धीमा है और बहुत ही लिमिटेड नंबर में फैसिलिटीज को अभी तक डेवलप किया जा सका है विल से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा जितने अच्छे से इसे काम करना चाहिए ये सुपर कंप्यूटर्स नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के माध्यम से तैयार करेंगे एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क ये जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क होगा ये गवर्नमेंट का बेसिकली इसके पहले का प्रोग्राम रहा है तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका जो नेटवर्क है बेसिकली हम इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड जो है उसको कनेक्ट करेंगे ये जो पहले से इनिशिएटिव चल रहा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उससे ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है इसके तहत भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट करने का पूरा प्लान था एन के एन कनेक्ट अकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड आर एंडी लैब्स और हाई स्पीड नेटवर्क तो हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट करने का प्लान नेशनल नॉलेज नेटवर्क का भी था और वही नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का भी है तो दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ साइंस एंड टेक फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द सी डेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल क्रेच स्कीम के बारे में है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि अभी 2021-22 के लिए सेंटर की ओर से उन्हें कोई फंड नहीं मिला है अंडर दिस स्कीम क्रच क्रच एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पर कामगार महिलाएं अपने बच्चे को रख सकती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर वर्क वहां पे बैठने की जगह होती है खाने पीने की व्यवस्था होती है पालना होता है जहां पर बच्चे को अगर बहुत छोटा बच्चा है तो रखा जा सकता है और उनकी केयर के लिए लोग भी होते हैं तो नेशनल क्रच स्कीम को इसी उद्देश्य से सन दो में लॉन्च किया गया था अक्सर जो कामगार महिलाएं हैं अगर उनके पास छोटा बच्चा है तो वो महज इस आधार पे काम करने नहीं जा पाती कि उन्हें अपने बच्चे की केयर करनी होगी बच्चे को केयर की जरूरत में भी हमेशा ना पड़े बच्चा सो रहा है या फिर वो खेल रहा है तो नीडेड नहीं है कि माँ उसके आसपास हो लेकिन इन बिटवीन उसे माँ की जरूरत पड़ सकती है घंटे दो घंटे तीन घंटे बाद वो अपनी माँ को ढूंढ सकता है या उसे कोई दिक्कत हो सकती है इन दैट केस अगर माँ आसपास हो तो वो मदद के लिए जा सकती है या ध्यान रख सकती है लेकिन इस चक्कर में कि उसके बच्चे को कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है वो काम पर जा ही नहीं पाती है अगर हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि जहां वो काम कर रही हैं वहीं पर वो अपने बच्चे को रख सकती हूँ उनका बच्चा एक सर्टेन केयर में हो और जब भी उन्हें आवश्यकता हो वो उस फैसिलिटी को विजिट कर सकें दो में इसी उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल क्रच स्कीम को शुरू किया गया जिसका नाम अब बदल के नेशनल क्रच स्कीम रख दिया गया है ये प्राइमरली नर्चर करता है चिल्ड्रन को वो महिलाएं जो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करती हैं जिनको महीने में कम से कम पंद्रह दिन काम पे जाना होता है या जिनको साल में कम से कम छह महीने का काम मिलता है उन्हें इस क्रच स्कीम्स के साथ जोड़ दिया जाता है जो भी वर्क प्लेस होते हैं वहां पर क्रच बनाए जाते हैं इसके लिए पैसे मिलते हैं ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है साठ परसेंट पैसा देती है राज्य सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट तीस परसेंट राज्य और दस परसेंट जो अमाउंट है वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन से या एनजीओ से आ जाता है स्टेट्स ये तो बात होगी नॉर्मल स्टेट्स को लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 80 परसेंट पैसा देगा केंद्र 10 परसेंट राज्य और 10 परसेंट वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90 परसेंट केंद्र देगा राज्य को कुछ नहीं देना है और 10 परसेंट वही वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो बीपीएल फैमिली की महिलाएं हैं उन्हें बीस पर मंथ पर चाइल्ड देना होता है ये फीस अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है ये सौ से दो तक पर मंथ की हो सकती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बेसिकली पैसा देने का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो लोग काम पे जा रहे हैं वो पैसा देते हैं तो एक कम्युनिटी ओन फैसिलिटी बन जाती है जिसका सभी लोग ध्यान रखते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटी होती है स्लीपिंग फैसिलिटी होती है बच्चे सो सकते हैं अर्ली स्टिमुलेशन होता है जो बच्चे तीन साल से कम के हैं उन्हें प्री स्कूल एजुकेशन दे दी जाती है उसी फैसिलिटी में या वो तीन से छह साल के हैं तो बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है कि थोड़ा बहुत सिखा दिया जाता है और तीन से छः के बीच में है तो प्री स्कूल एजुकेशन दे दी जाती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिया जाता है खाना वगैरह तो माँ खिला देती है कुछ न्यूट्रिशनल चीजें दी जाती हैं जो लोकली सोर्स की जाती हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे फर्दर उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन देखे जाते हैं क्या गाइडलाइंस है क्रैच को लेकर क्रैच महीने में छब्बीस दिन खुला होना चाहिए और एक दिन में साढ़े सात घंटे वो ओपन होना चाहिए जो बच्चे क्रच में हैं वो एक क्रच में 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आप भीड़ इकट्ठा कर दोगे तो उनकी केयर कैसे होगी एक क्रच में मैक्सिमम 25 बच्चे हो सकते हैं यूजर चार्जेस लगाए गए हैं ताकि कम्युनिटी ओनरशिप इंश्योर की जा सके छह मंथ से छ साल के बच्चों को कवर किया जाता है ताकि उनका एक ओवरऑल केयर भी हो जाए और माँ काम पर भी जा सके हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्स वर्क को प्रोफेशन बनाने को लेकर है आपको पता है आर्टिकल 142 फोर्टी टू बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है जो हमारे जुडिसरी को अधिकार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस ग्रांट कर सकते हैं अगर उन्हें कहीं ऐसा लगता है रिक्वायर्ड है तो कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय देने का अधिकार है अभी इसी आर्टिकल को इन्वोक किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये डिक्लेयर किया कि सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है आर्टिकल ट्वेंटी के तहत जो रिकॉग्नाइज होता है और उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा भी तो कुल मिला के सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है अंडर आर्टिकल 21 ये अब डिक्लेयर हो चुका है और अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप तैयार रहिएगा हर व्यक्ति के पास राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है आर्टिकल 21 इसे इंश्योर करता है और इसमें सेक्स वर्कर्स भी शामिल हैं सेक्स वर्कर्स के पास इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए सभी केसेस में क्रिमिनल लॉ उनके लिए भी अप्लीकेबल है उनकी एज और कंसेंट के बेसिस पे जो सेक्स वर्कर्स हैं अगर वो एडल्ट हैं और अपनी कंसेंट से इस प्रकार की एक्टिविटी में या इस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो पुलिस को उनके काम में इंटरफेयर करने से बचना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शंस भी नहीं लेने चाहिए यहाँ पर देखिए कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि वॉलेंटरली सेक्स वर्क में इन्वॉल्व होना ये इलीगल नहीं है इट्स काइंड ऑफ प्रोफेशन कोई व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और कोई अपने शरीर का इट्स सिमिलर ऐसा कोर्ट एक्नोलेज करता है लेकिन अगर कोई थल चला रहा है यानी कि वैश्यालय चला रहा है ये अनलॉफुल है इसे रोका जाना चाहिए सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए भी प्रावधानों की बात की गई जो सेक्स वर्कर हैं उनके पास अगर कोई बच्चा है तो महज वो उनके साथ रहता है इस आधार पे ये प्रिज्यूम नहीं किया जाना चाहिए कि वो सेक्स ट्रेड का हिस्सा है या उस बच्चे अथवा बच्ची को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया है इन्वेस्टिगेट करिए अगर ऐसी संभावना लगती है कि हाँ वो ट्रेडेड बच्चा है जिसे लिगली एड करके लाया गया है तो कार्यवाही की जाए छुड़ाया जाए लेकिन इन जनरल प्रिज्यूम ना कर लिया जाए इट इज वेरी पॉसिबल कि वो वहीं के किसी व्यक्ति का बच्चा हो तो आप उसे अनावश्यक अलग मत करिए ह्यूमन डिसेंसी और डिग्निटी बेसिक प्रोटेक्शन करिएोटेक्शन सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए फर्दर अगर एक माइनर ब्रदल में है सेक्स वर्कर्स के साथ तो प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा वही कि चाइल्ड जो है वो है ऐसे केसेस में अगर क्लेम है किसी सेक्स वर्कर का कि ये उनका बेटा अथवा बेटी है और अगर कोई डाउट है तो फिर मेडिकल टेस्ट किया जा सकता है लेकिन फोर्सिबली बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्हें अलग ना किया जाए लीगल प्रोटेक्शन सेक्स वर्कर्स को भी अब्यूज के अगेंस्ट में मिलनी चाहिए पुलिस को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए सेक्स वर्कर्स के साथ जब वो कोई कंप्लेन लॉन्च करने को लेकर आए स्पेसिफिकली अगर वो सेक्सुअल नेचर का हो तो इन जनरल मान लिया जाता है कि आप इस प्रकार की जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनके लिए नहीं आ सकते बिकॉज आप इस एक्टिविटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वो उनकी विल के अगेंस्ट में है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और केसेस भी दर्ज होने चाहिए मीडिया को भी डायरेक्शन की आइडेंटिटी को रिलीज नहीं करना चाहिए अरेस्ट रेड या रेस्क्यू के दौरान कोई फोटो भी रिलीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्कलोज हो जाए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी हाल ही में इस सर्वे की रिपोर्ट को रिलीज किया लास्ट एनएस सर्वे 2017 में हुआ था अभी 2021 में हुआ यह तीन साल के गैप पे इन जनरल होता है हेल्थ जो स्कूल एजुकेशन की है उसे इवेल्युएट किया जाता है क्लास थर्ड फिफ्थ एट्थ और टेंथ के बच्चों के लिए बच्चे की कॉम्पिटेंसी को कुछ सब्जेक्ट्स के बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है क्लास थर्ड एंड फिफ्थ के बच्चे के लिए मैथमेटिक्स लैंग्वेज एनवायरमेंटल स्टडीज में उसका क्या सिनेरियो है क्लास एट्थ के लिए लैंग्वेज मैथमेटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस क्लास टेंथ के लिए लैंग्वेज मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस एंड इंग्लिश इवेल्युएशन में आते हैं एनसीआरटी इसका पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करता है और सी इस सर्वे को कंडक्ट करता है फाइंडिंग्स में पाया गया कि 80 परसेंट बच्चों ने ऐसा माना कि पेंडेमिक के दौरान जब स्कूल्स बंद हो गए तो उनके लिए एजुकेशन खराब रही वो स्कूल्स में अच्छा सीख पाते थे दोस्तों के साथ 24 परसेंट बच्चों ने ये माना कि उनके पास तो डिजिटल डिवाइस है ही नहीं पढ़ाई के लिए 45 फाइव परसेंट स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि उनके लिए एक्सपीरियंस जॉयफुल रहा मजेदार रहा थर्टी अभी भी मानते हैं कि उनको सीखने में मुश्किल हुई पांच सौ बच्चों के वेल्युएशन में लिया गया इनमें पाया गया कि वो लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स एंड साइंस में सिचुएशन खराब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है आज इन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि वर्ल्ड ऑफ वर्क में एल जी बी टी क्यू आई प्लस को इंक्लूड किया जाए एल जी बी टी क्यू आई ये कंपोजिट वर्ड है इसके बारे में भी बात करेंगे पहले आई एल ओ की बात करते हैं आई एल ओ को ट्रिटी ऑफ वर्सिलस के तहत उन्नीस सौ उन्नीस में बनाया गया था ये उस समय जो लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था जो पूर्ववर्ती था यूनाइटेड नेशंस का उसकी एक एफिलिएट एजेंसी थी एकमात्र ट्राइब पार्टाइट यूएन एजेंसी है जिसमें शामिल है गवर्नमेंट यानी कि एक एम्प्लॉय यानी कि दो और वर्कर्स यानी कि तीन तभी तो हुआ ट्राइब पार्टाइट एक इन्वॉल्व होती हैं ये लेबर स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज और प्रोग्राम्स तैयार करते हैं ताकि मैन एंड वुमेन डिसेंट वर्क में जा सकें ये फर्स्ट एफिलिएट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी यूनाइटेड नेशंस की 1946 में हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में सोशल जस्टिस इंश्योर करता है ताकि जो फाउंडिंग मिशन है इसका वही है कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करें सभी लोगों के लिए ये इंटरनेशनल रिकोगनाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को प्रमोट करते हैं और पूरा सपोर्ट देते हैं कि एथिकल और प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क तैयार रहे फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए जहां सभी को इससे लाभ मिले एल जी कम्युनिटी के लोगों की बात करते हैं एल जी या आई क्यू आप दोनों बोल सकते हो ये एक कंपोजिट टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है लेस्बियन गे बाई ट्रांसजेंडर आई है इंटरसेक्स एंड क्यू है क्वीर या फिर क्वेश्चन मतलब क्लियर नहीं है कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है यह पूरा टर्म किसी भी व्यक्ति के सेक्शुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड ऑफ वर्क में ये माना जा रहा है कि जो एल जी बी के लोग हैं उनका इंक्लूजन अभी भी कम है तो जो भी देश हैं उन्हें ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए कि उनके प्रति जो प्रिजुडाइज है वो खत्म हो और वो वर्क फोर्स में इन्वॉल्व हो सकें हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बारे में है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर यह नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी की गई और पब्लिक फीडबैक मांगा गया

24 के लिए 70 परसेंट और 25 के लिए 80 परसेंट होगा रिसाइकिल करने के लिए उन्हें वो सामान वापस चाहिए होगा वापस लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं आप एक्सचेंज ऑफर दे दीजिए कि आप अपना पुराना इक्विपमेंट हमको दीजिए हम आपको डिस्काउंट दे देंगे या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी अमाउंट आपने दिया है जब आप इसे खराब होने के बाद रिटर्न करेंगे तो ये अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा या फिर आप जो ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर है वो बना दीजिए कि आप ये सामान अगर फेंकने वाले हैं तो यहाँ ला जमा कर दीजिए ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जैसे जिसके जरिए आप ई वेस्ट को वापस से कलेक्ट कर सकते हैं रिसाइकिलिंग के लिए ई पी आर सर्टिफिकेट इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपने जो प्रोड्यूस किया है इसके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे सही तरीके से डिस्पोज भी किया जाए तो सभी को टारगेट दिए जाएंगे जो टारगेट से ज़्यादा कर लेगा उसे मिलेंगे ई पी आर सर्टिफिकेट्स ये कार्बन क्रेडिट जैसा ही है और अगर आपने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है तो आपको ई पी आर सर्टिफिकेट खरीदने होंगे और अगर आप दोनों नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी कितनी होगी ये भी डिसाइड नहीं किया गया है बाकी मॉनिटर करने का होता है तो उसमें ई e वेस्ट के तौर पर क्या निकलेगा और आपको मिले थे सात पॉइंट्स इसमें चौथे पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी शामिल होंगे सो आंसर विल बी बी वन टू थ्री फाइव एंड सिक्स ओनली रिविजन करेंगे एक्सरसाइज बोनो सागर इंडिया श्रीलंका बिल्कुल गलत है इंडिया बांग्लादेश नेशनल क्रच स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गलत है स्पॉन्सर्ड है नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्लास थर्ड फिफ्थ एट्थ और टेंथ के बच्चों के लिए है तीन साल के पीरियड पे दैट्स ट्रू सेक्स वर्कर्स सेक्स वर्क अब एक प्रोफेशन है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन दैट्स ट्रू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है गलत है, है आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है थैंक यू वेरी मच